साक्षात्कार करने के लिए उनका आविर्भाव तथा उनकी शिष्य परंपरा का कथन। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान से इस प्रकार की बात सुनने पर उनको पुनः प्रणाम किया था तथा वह प्रजापति ब्रह्मा रुद्र से कहने लगे, हे भगवन, हे महादेव, हे महेश्वर, आपके ये शरीर जो संसार के द्वारा पूज्य है, कब किस काल में अथवा युग में ब्राह्मणों के द्वारा जाने जाते हैं, अथवा इन्हें किस तरह से तप से, ज्ञान से या ध्यान से जाना जाता है। इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान रुद्र ब्रह्मा जी से कहने लगे, श्री भगवान शंकर जी बोले, मैं तप, व्रत, दान, धर्म, तीर्थ से, वेदाध्ययन से, धन से जाना नहीं जा सकता, केवल ध्यान से ही जाना जा सकता हूँ। सातवें वाराह कल्प में जब स्वयं वैवस्वत मनु कल्पेश्वर होंगे, जो हे ब्रह्मा जी आपके नाती होंगे, तब चतुर्युग की अवस्था में युगों के अंत में लोकों में अनुग्रह करने के लिए मैं भी उत्पन्न होऊंगा। उस प्रथम युग के प्रथम द्वापर में स्वयं प्रभु ही व्याप्त होंगे और ब्राह्मणों के हित के लिए उस युग के अंत में मैं भी श्वेत महामुनि नाम से उत्पन्न होऊंगा। शिखा सूत्र से युक्त हिमालय के छागल नाम के सुंदर शिखर पर वास करूंगा। सभी मेरे चार शिष्य वेद पारंगत शिक्षा से युक्त मेरे पास ही पैदा होंगे। वे सभी श्वेत शिखा से उत्पन्न होंगे। वे सभी योग में परायण हुए मेरे समीप ही चले जाएंगे। पुनः दूसरे द्वापर में जब सद्योजात प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं भी लोक कल्याण के लिए पैदा होऊंगा। तब मेरा नाम सुतार होगा। तब मेरे ये चारों पुत्र दुंदुभि, शत्रुप, ऋचिक और केलुमा नाम से उत्पन्न होंगे तथा ये चारों ही साथ साथ ध्यान और योग में परायण होकर रुद्र लोक को चले जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव व्यास होंगे, तब मैं युग के अंत में दमन नाम से प्रकट होऊंगा। तब भी ये मेरे चारों पुत्र उत्पन्न होंगे। इनका नाम विकोश, विकेश, विपाश और पाप नाशक होगा। तब भी ये चारों योग मार्ग के द्वारा आवागमन से छूटकर रुद्र लोक को चले जाएंगे। चौथे द्वापर में अंगीरा नाम के ऋषि व्यास कहलाएंगे। तब मैं सुहोत्र नाम से पैदा होऊंगा और मेरे पुत्र भी सुमुख, दुर्मुख, दुर्धर और दुरातिक्रम नाम वाले होकर योग मार्ग से रुद्र लोक को जाएंगे। पांचवें द्वापर में सविता नाम के व्यास होंगे। तब मैं कंक नाम से महातपस्वी के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय चारों महाभाग मेरे पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार महान दृढ़ व्रति उत्पन्न होंगे तथा मेरे समीप आकर आवागमन से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करेंगे। छठवें द्वापर के काल में मृत्यु व्यास बनेंगे। तब मैं लोगाक्षी नाम से विख्यात होऊंगा और योगात्मा दृढ़ व्रति चारों शिष्य क्रमशः सुधामा, विरजा, शंख, पादरज नाम से उत्पन्न होंगे। तब भी वे ध्यान योग में तत्पर हुए मेरी परम दुर्लभ समीपता को प्राप्त होंगे। सातवें द्वापर में शत ऋतु व्यास होंगे। तब मैं भी युग के अंत में कलयुग में विभु नाम से प्रकट होऊंगा। तब मुझे जैगी शव्य नाम का विभु सब कहेंगे। मेरे चारों पुत्र सारस्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहन नाम से होंगे। ये सभी उसी योग मार्ग के द्वारा रुद्र लोक को चले जाएंगे। आठवें व्यास वशिष्ठ होंगे। तब मैं दधिवाहन नाम वाला होऊंगा। मेरे पुत्र कपिल, आसुरी, पंच शिखो मुनि तथा महायोगी वाष्कल होकर योग के द्वारा मुझ महेश्वर को प्राप्त करेंगे। नौवें व्यास सारस्वत होंगे। तब मेरा नाम ऋषभ होगा और मेरे उन पुत्रों का नाम पाराशर, गर्ग, भार्गव, आंगिरस होगा, जो वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण होंगे और ये सभी तपस्वी योग के द्वारा दोबारा न लौटने वाली मोक्ष को प्राप्त हो रुद्र लोक को जाएंगे। दसवें द्वापर में त्रिपादे व्यास होंगे। तब मैं भी सुंदर भृगुतंग नाम के श्रेष्ठ पर्वत पर भविता मुनि नाम से प्रकट होकर रहूंगा। मेरे पुत्र भी बल, बंधु, निरामित्र, केतु, भृंग नाम से उत्पन्न होंगे और योग मार्ग का अनुस्मरण करके रुद्र लोक को प्राप्त करेंगे। ग्यारहवें द्वापर में त्रिव्रत नाम के व्यास होंगे। तब मैं भी उग्र नाम वाला महातेजस्वी गंगा द्वार में उत्पन्न होऊंगा।
तभी मेरे ये पुत्र लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेश भी उत्पन्न होकर योग द्वारा रुद्र लोक को जाएंगे। 12वें द्वापर में कवियों में श्रेष्ठ शत तेज नाम के मुनि व्यास होंगे। तब मैं अत्रि नाम से प्रसिद्ध होऊंगा और ये मेरे पुत्र भस्म, स्नान आदि से लेपित सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य और सर्व नाम से महेश्वर के रुद्र लोक को जाएंगे। 13वें द्वापर में धर्म नाम के व्यास होंगे। तब मैं बाली नाम का महामुनि होऊंगा और बाल खिल्य के आश्रम गंध माधन पर्वत पर रहूंगा। तब उन मेरे पुत्रों के नाम सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा होंगे। तब ये सभी महायोग में तत्पर होकर रुद्र लोक को जाएंगे। पुनः 14वें द्वापर में जाकर तरक्षु नाम के व्यास होंगे। तब मैं श्रेष्ठ अंग्रिस वंश में गौतम नाम वाला उत्पन्न होऊंगा और मेरे उन पुत्रों के नाम अत्रि, देवरुद्र, श्रवण, श्रविष्ठक होंगे, जो सभी कलियुग में उत्पन्न होकर योग मार्ग से रुद्र लोक को प्राप्त करेंगे। इसके बाद क्रम से आए हुए द्वापर के 15वें युग में त्रय्यारूणी नाम के व्यास होंगे। तब मैं वेदशिरा नाम का ब्राह्मण होऊंगा। तब मैं वेदशिरा अस्त्र को महेश्वर से प्राप्त कर महावीर्य तथा वेद शीर्ष होकर हिमालय के पृष्ठ पर जाकर सरस्वती के तट पर रहूंगा। मेरे ये पुत्र कुणी, कुणी बाहु, कुशरीर, कुनेत्रक नाम से होकर योग के द्वारा रुद्र लोक को चले जाएंगे। पुनः 16वें व्यास देव नाम से होंगे। तब मैं भक्ति और योग देने के लिए अवतरित होऊंगा। मेरा नाम उस समय गोकर्ण होगा। मेरे पुत्र भी कश्यप, उष्णा, चैवन और बृहस्पति नाम वाले होंगे। वे उसी मार्ग से अर्थात योग साधना द्वारा रुद्रत्व को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 17वें व्यास काल क्रम से कृतंजय नाम के होंगे। उस समय मैं भी हिमालय के उत्तम शिखर पर जो महालय है उसकी गुफा में रहूंगा। मेरा नाम भी गुहवासी होगा। मेरे पुत्र भी ब्रह्म ज्ञानी योगी होकर उत्पन्न होंगे। उनका नाम उतथ्य, वामदेव, महायोग तथा महाबल होगा। उनके भी 100,000 शिष्य होंगे, जो सभी योगाभ्यास में निरत रहकर अति दुर्लभ महेश्वर पद को प्राप्त करेंगे। हे ब्रह्मन, 18वें द्वापर में काल कर्मागत से रितंजय व्यास होंगे। तब मैं शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। सिद्धा नेत्र हिमालय की शिखंडी नाम की चोटी पर निवास करूंगा। तब मेरे तपस्वी पुत्र भी वाचश्रवा, ऋचिक, शयावश्व, यतीश्वर नाम से होकर अंत में योग मार्ग द्वारा रुद्र लोक को जाएंगे। 19वें व्यास का नाम भारद्वाज महामुनि होगा। मैं भी तब जटामाली नाम से उत्पन्न होऊंगा। तब मेरे ये 4 महातेज वाले पुत्र भी उत्पन्न होंगे। उनके नाम हिरण्यनाभ, कौशल, लौंगाक्षी, कुथुमी होंगे। ये सभी योग मार्ग द्वारा महेश्वर को प्राप्त कर रुद्र लोक में निवास करेंगे। तब 20वें द्वापर के गौतम नाम के महामुनि व्यास बनेंगे और मैं भी 28 नाम से उत्पन्न होऊंगा। हिमालय की 28 शिखा पर रहूंगा। तभी मेरे ये पुत्र भी महान योगी और व्रती होकर उत्पन्न होंगे। उनके नाम सुमंतु, वरवरी, कवंद और कुशी कंधर होंगे। ये भी योग मार्ग से रुद्र लोक को जाएंगे। इसके बाद 21वें द्वापर के वाचश्रवा नाम के व्यास होंगे। तब मैं दारुको नाम से उत्पन्न होऊंगा। मेरे महोजस्वी पुत्र लपकशोदा, भाईनी, केतुमान तथा गौतम नाम के होंगे। ये सभी योग में निरत होकर नैष्ठिक व्रत को धारण करके रुद्र लोक को जाएंगे। 22वें व्यास का नाम शुष्मायन होगा। तब मेरा नाम लागली भीम नाम से उत्पन्न होऊंगा। तब इंद्र सहित सभी देवता मुझे हलायुध सहित देखेंगे। मेरे पुत्र भी धार्मिक, महायोगी, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत, केतु तथा कुश नाम वाले होंगे। ये विमल ब्रह्म भूमिष्ठ होकर रुद्र लोक को जाएंगे। 23वें द्वापर के त्रिणबिंदु नाम के मुनि व्यास कार्य करेंगे। तब मैं भी श्वेत नाम के महामुनि का पुत्र होकर उत्तम पर्वत पर काल को जीर्ण कर दूंगा। तब तो उस पर्वत का नाम कालंजर होगा। महातपस्वी मेरे वे पुत्र भी उशिक, बृहदशव, देवल, कवि रेवच नाम के होंगे तथा वे सभी
महेश्वर योग के साधन से रुद्र लोक को जाएंगे। आगे के युग में ऋक्ष नाम के मुनि व्यास बनेंगे, मैं शूली नाम से विख्यात होऊंगा। मेरे सभी शिष्य भी शालीहोत्र, अग्निवेश, युनाशक, शरद्वसु होंगे, जो योग करके रुद्र लोक को जाएंगे। 25वें व्यास का नाम शक्ति होगा, तब मैं भी दंडी मुंडीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा। छागल, कुंडक, कुंभांड, प्रवाहज नाम से मेरे पुत्र भी उत्पन्न होकर अंत में योग मार्ग से शिवत्व को प्राप्त करेंगे। 26वें व्यास का काम बराशर महामुनि करेंगे, तब मैं भी सहष्णु नाम से उत्पन्न होऊंगा। भद्रवट नाम के पुर में निवास करूंगा। मेरे पुत्र परम धार्मिक उल्लूक, विद्युत, शंभूक तथा अश्वलायन नाम वाले होंगे और महेश्वर पद को प्राप्त करेंगे। 27वें द्वापर में जातुकर्ण्य नाम के व्यास होंगे। उस काल में मैं भी कलयुग के अंत में सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण होऊंगा। प्रभास क्षेत्र में रहकर मैं योग में उत्पन्न होऊंगा। मेरे ये तपस्वी शिष्य भी अक्षपात, कुमार, उलूक तथा वत्स नाम से प्रसिद्ध होंगे। तब वे यह विमल विशुद्ध होकर योग का अनुसरण करके रुद्र लोक को प्राप्त होंगे। काल क्रम से 28वें द्वापर में पराशर मुनि के पुत्र विष्णु स्वरूप श्रीमान द्वैपायन नाम के व्यास होंगे। उसी काल में वासुदेव श्री कृष्ण भी 6वें अंश से उत्पन्न होंगे। तब मैं भी मेरु पर्वत की पवित्र गुफा में आपके तथा विष्णु के साथ निवास करूंगा। योग में तत्पर तब मेरा नाम लकुली होगा, वह सिद्ध क्षेत्र होगा। तब मेरे पुत्र भी कुशिक, गर्ग, मित्र, कौरुष्य नाम से उत्पन्न होंगे और योग मार्ग के द्वारा दुर्लभ रुद्र लोक को जाएंगे। ये सभी पाशुपत धर्म के मानने वाले तथा भस्मी भूत होंगे। शंकर के लिंग की अर्चना में निरत रहेंगे। मैं भी न तो सांख्य से, न पंचरात्र से और न ध्यान से प्रसन्न होता हूँ। जितना मैं पाशुपत धर्म से प्रसन्न होता हूँ और मनुष्य भी पाशुपत योग द्वारा परम गति को प्राप्त होते हैं। हे ब्रह्मा जी, यह मैंने अपने अवतारों के लक्षण तुम्हें बताए तथा 28 मन्वंतरों के क्रम से व्यासों के नाम भी कहे हैं। कृष्ण द्वैपायन मुनि 28वें द्वापर में व्यास होकर वेदों का विभाग करके धर्म के लक्षणों को कहेंगे। सूत जी बोले, भगवान के द्वारा रुद्रावतारों को सुनकर प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी पुनः शंकर जी से पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवन, सभी देवता एवं गण सब कुछ विष्णु रूप हैं। वेद भी ऐसा ही गान करते हैं, परंतु वे भी आपके लिंग की अर्चना में तत्पर रहते हैं तथा आपको निरंतर प्रणाम करते हैं, इसका भेद क्या है? सूत जी ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर महादेव जी प्रेम पूर्वक कहने लगे कि साक्षात नारायण, इंद्र तथा सभी देव और मुनि के लिंग की पूजा में जो तत्पर रहते हैं, उसका कारण यह है कि लिंगार्चन के बिना निष्ठा नहीं होती। ऐसा कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर शिव को नमस्कार करके शेष सृष्टि की रचना करने लगे।